ये क्लास टेंथ के लिए चैप्टर दो अध्याय दो के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है, जिसे अभी आपको पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नंबर फोर है, 6x² - 3 - 7x, तो पहले से हम मानक यानी कि घटते क्रम में सही से बनाएंगे, ये 7x इधर आएंगे तो 6 * 3 = 18 हो रहे हैं। 18 के गुणनखंड ऐसे लेंगे जिन्हें घटाने पर 7 आए, तो 9 * 2 = 18 हो रहे हैं। तो 6x² - 9x - - क्या होगा, +2x - 3, इन दोनों से कॉमन लिया 3x, 3 * 6 = 9 + 1 = 2x - 3, तो 3x + 1 ये 1 साथ 2x - 3। यदि 3x + 1 = 0 है तो 3x - 1 = 3। यदि 2x - 3 = 0 है तो 2x = कितना हुआ, 3। ये तो गुणा में है, कहाँ जाएंगे, भाग में। 6x² - 7x - 3 की तुलना वर्ग समीकरण ax² + bx + c से करने पर a का वैल्यू 6, b का माइनस के साथ, c का माइनस के 3, अल्फा माइनस के 1/3, बीटा का 3/2। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे ए, तो अल्फा माइनस के 1/3 + 3/2, 2 का 1 में 2, 3 का 3 में 9, 3 * 6 माइनस माइनस प्लस हो गए 7/6, 9 में से 2 घटाए 7/6, 7/6। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो माइनस के 1/3 इन गुणा 3/2, तो 3 * 3, 3 * 6, 3/6, या इन्हें चाहो तो काट सकते हैं या ऐसे ही लिखा देंगे लोग। अगला क्वेश्चन, 3x² - x - 4, तो 3x² - 4 में से 3 घटाए, 3 * 12 हो रहे हैं, 12 गुणनखंड ऐसे लेने जिन्हें घटाने पर 1 आए, तो 4 - 3 x - 4, 3x² - 4x + 3x - 4, x 3x - 4 + 1 3x - 4, x + 1 3x - 4। यदि x + 1 = 0 है तो x = -1, यदि 3x - 4 = 0 है तो 3x = 4, x = 4/3, 3x² - x - 4 की तुलना वर्ग समीकरण ax² + bx + c से करने पर, तो a का वैल्यू 3, b का -1, c का -4, अल्फा का -1 - 4/3, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे, तो -1 + 4/3, 3 का 1 में गुणा किए 3 + 4, 4 में से 3 घटाए 1/3, -1 = +1/3, तो 1/3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे, तो -1 = 4/3, 4 * 4/3, ये भी 4/3, तो ये भी सत्यापन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 4u² + 8u, तो 4u कॉमन ले लिए दोनों से, कितना बचा इधर, u इधर 2, यदि 4u = 0 है तो u = 0/4 = 0, यानी कि 0 आया, तो यदि u + 2 = 0 है तो u + k है तो -k, 4u² + 8u की तुलना वर्ग समीकरण au² क्योंकि इसमें यहाँ u है, +bu + c से करने पर, तो a = 4 b = 8 c = 0, क्योंकि a का वैल्यू वो होता है जो स्क्वायर वाली घात में हो, 2 की घात वाला, b का वैल्यू जो ABCD के अक्षर वाला, और c का वैल्यू वो होता है जो केवल गिनती का अंक हो, तो इसमें गिनती का अंक नहीं है, इसलिए c का वैल्यू कितना रहा, 0, अल्फा का वैल्यू 0 ये, बीटा का -2। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी बटे ए, तो 0 + -2 + -2, 4 * 2 = 8, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो 0 का गुणा -2 में करेंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो भी 0। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पर जो था, तो हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, हमें द्विघात बहुपद बनाना था, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ शून्यकों का योगफल -3, शून्यकों का गुणनफल +2 है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - शून्यकों का योगफल x + शून्यकों का गुणनफल = 0, x² - योगफल -3 दिया है, x + गुणनफल 2, -3 क्या होगा, +3x + 2 = 0, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर ये 0 = लिखें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ शून्यकों का योगफल √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3, द्विघात बहुपद x², यही सूत्र दोबारा लगाएंगे, वो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, x² - शून्यकों का योगफल √2 दिया है x = 1/3, x² - √2x
प्लस की एक बटे तीन, तो जिनके बटे में कोई संख्या नहीं होना है हमने एक माना, और जिनमें एक माना उनमें ये तीन का ऊपर वाली संख्याओं में बड़ा करेंगे। तीन का एक्स स्क्वायर में किया तीन एक्स स्क्वायर, तीन का रूट दो एक्स में किया तीन रूट दो एक्स प्लस एक, ये तीन है बराबर में जीरो। हम क्यों मान रहे थे कि ये तीन का बड़ा जब हम जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ऊपर वाली संख्या तीन का बड़ा जीरो में किया तो जीरो, इधर एक माना तो एक से इधर करेंगे तो ये पूरा सीधा अंतर। तीसरा सवाल है, यहाँ शून्य अंकों का योगफल कितना दिया है, एक गुणनफल एक, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस योगफल एक एक्स प्लस गुणनफल एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के एक बराबर जीरो। अंकों का योगफल यहाँ शून्य अंकों का योगफल माइनस की एक बटे चार, शून्य अंकों का गुणनफल एक बटे चार, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की एक बटे चार एक्स प्लस एक बटे चार, तो एक्स स्क्वायर बटे एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स बटे चार प्लस एक बटे चार, जिनके बटे में चार चार है यहाँ पर हमने एक माना है तो ये जो चार का एलसीएम रहेगा उसको इधर बड़ा करेंगे तो चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये पूरा कितना हो गया चार, चार को बड़ा जीरो करेंगे तो जीरो रहेगा एक इधर, तो ये सीधा आंसर हो गया। यहाँ चाहो तो बराबर जीरो लिख दो या छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शून्य अंकों का योगफल जीरो गुणनफल कितना दिया है रूट पांच, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना लिख लिया जीरो एक्स प्लस रूट पांच, तो जीरो का गुणा हम जब एक्स में करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो ना तो माइनस का होता है ना प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट पांच सीधा आंसर। छठवां, यहाँ शून्य अंकों का योगफल चार शून्य अंकों का गुणनफल एक, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योगफल एक्स प्लस शून्य अंकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स प्लस के एक, ये हमारा उत्तर हो गया। ये पार्ट दो के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सब हो गया, आगे की वीडियो में आपको पार्ट तीन का मिलेगा।